नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रापकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभज्ज स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। इसमें 150 जो हैं श्लोक हैं संस्कृत भाषा में हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, संलेखना, समाधि और श्रावक की जो है 11 प्रतिमाओं का इसमें वर्णन है। कल अपन ने देखा था परिग्रह त्याग प्रतिमा, जो कुछ भी अपने पास एक्स्ट्रा सब कुछ था उसमें से अपने को उससे विदा कर लेना, ममत्व मतलब मेरापन का भाव छोड़ देना। मकान आपके नाम से था, अब मेरा नहीं है, मेरा भाव छोड़ा। ऐसे जिन जिन में भी आपका बिल्कुल सील थी, ठप्पा लगा हुआ था, आत्मा बिल्कुल उससे जुड़ी हुई थी, ऐसा लगता था कि ये सब कुछ मेरा है और मैं इसका हूँ, ऐसा बिल्कुल भाव था, उन सब से अपने को विदा कर लेना। आपके 10 मकान थे, 100 मकान थे, कितने खेत खलिहान थे, वस्तु थी, परिग्रह बहुत कुछ था, उन सब से आपको क्या करना है, अपने को हटाना है। यद्यपि आप वहीं पर हैं पर अपने को वहां से हटा लेना है, अपनी आत्मा को वहां से बिल्कुल हटा करके अपने में ले आना है। निर्ममत्व भाव, अब आपको निर्ममत्व भाव रखना है, कोई जर जोरू जमीन इससे कोई लेना देना नहीं है। अब तो अपने जन्म मरण कैसे दूर हो इसके लिए पुरुषार्थ करना है कि दुनिया में अब मेरा बार बार जन्म ना हो, मेरा बार बार मरण ना हो, इस जन्म मरण के चक्कर से कैसे निकलूं, तो मुझे इसके लिए बात को समझना है। क्योंकि जन्म मरण का चक्कर ही है परिग्रह के प्रति अपनत्वपना। यदि आप परिग्रह के प्रति अपनत्वपना रखोगे तो बार बार ये मिलेगा ना, फिर बार बार प्राप्त होगा ना, ये घर मकान से मोह होगा तो बार बार घर मकान मिलेंगे नहीं मिलेंगे। तुम चूहा बिल्ली बनकर के वहीं पैदा हो जाओगे तो उस घर का फिर संरक्षण करते रहना, उसी घर में पड़े रहोगे। सुनी नहीं मेंढक की कहानी, अपने ही घर की बावड़ी में सेठ जी मेंढक हो गए। क्या हो गए? मेंढक हो गए। कहाँ हो गए? अपने घर की बावड़ी में हो गए। तो ऐसी कहानियां बहुत आती हैं। मुनि ही जो है फलों में कीड़े हो गए, खाने के भाव हुए, आयु पर बंधा, त्रिंश गति का बंध बंधा और उसमें जाके कीड़े हो गए। किसी ने फल चढ़ाया, भाव हुए, फल में चढ़ हो गए खाने के भाव, तो क्या हुआ? तो ये जो चीजें हैं, जो चीज हम भावना भाते हैं वो चीज हम उस रूप होने लगते हैं। और हमें परिग्रह त्याग हो गया तो फिर हमें वस्त्र की भावना नहीं, हमें आभूषणों की भावना नहीं, हमें घर मकान की भावना नहीं। तो जब ये चीज की भावना ही नहीं रह जाएगी तो ये चीज हमें प्राप्त क्यों होंगे, ये चीज हमें प्राप्त क्यों होंगे, इन चीज की भावना ही नहीं है। यद्यपि तुम्हारे शुभ परिणामों से इन चीजों की प्राप्ति अवश्य होगी, देवगति में जाओगे तो बड़े बड़े महल मकान सब प्राप्त होंगे तुम्हें, रिद्धि व्यवस्था सब प्राप्त होगी, लेकिन तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी। फायदा क्या है? बुद्धि भ्रष्ट हो जाए ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। वहां भी जाके तुम्हारा सम्यक तो रहेगा तो तुम ये समझ पाओगे कि भाई ये सब मिला है, ये पुण्य के उदय से मिला है, मेरे जिन दर्शन के परिणाम से मिला है, देव शास्त्र के ऊपर अनन भक्ति करने से मिला है, व्रत नियम के प्रभाव से प्राप्त हुआ है, लेकिन ये भी क्षण भंगुर है, इसमें भी मुझे लिप्त नहीं होना। यद्यपि लिप्त होता हुआ दिखाई देगा फिर भी परिणाम यह है कि मुझे लिप्त नहीं होना है और वहाँ भी भगवान के दर्शन पूजन पाठ सम्भोषण में आना जाना इन सबसे महान पुण्य पैदा करके मनुष्य बन करके मुनि बन करके मोक्ष चला जाएगा, मोक्ष चला जाएगा। तो अनंत कर अनंत जन्मों का जो कचरा कूड़ा है वो हम पैदा ना करें, इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत है, इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत है। यदि अनंत जन्मों का कचरा कूड़ा इकट्ठा करके रखना है तुम्हें तो परिग्रह का त्याग प्रतिमा मत लो।
लेकिन परिग्रह त्याग प्रतिमा ले ली है तो अब कुछ भी हो, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। पंडित जी थे, रात्रि में सब त्याग करके सोते थे, चोर आए और उन्होंने गठरी बांधी, धन दौलत संपत्ति जितनी थी उसकी गठरी बांधी। पनासिंह ने कहा कौन रात को आ गया, तो अंधेरा था, तो वो पोटली तो समझ गए कि चोर आए हैं, तो उनने पोटली उठाकर उठाने में मदद कराई। क्या कराई? वो इतना भर लिया था उन लोगों ने कि उठा नहीं पा रहे थे, तो पंडित जी ने ही वह पोटली उठाने में मदद कराई और उठा करके कहा कि भाई जल्दी ले जाओ, अभी तो मेरा त्याग चल रहा है, एक घंटा बचा है, प्रातः काल हो जाएगी फिर मेरा त्याग नहीं रहेगा, फिर मैं जाने दूंगा, अभी तो मेरा त्याग है और तुम जितना ले जाना चाहते हो ले जाओ, कम से कम मेरा उतना जो है मोह तो कम हो जाएगा। तो ले भी गया और जाके अपनी माँ को बताया कि आज बड़ा विचित्र आदमी मिला। बोले क्यों? एक तो हमने चोरी की और उसने हमारे सिर में स्वयं उठा करके वो पोटली रखवाई कि भाई ले जा, अभी तो मेरा त्याग है, एक घंटे बाद कुछ नहीं हो सकता। तो अरे तुम फलाने पंडित जी के यहाँ गए होगे चोरी करने? बोले हाँ, जाओ वापस करके आओ। तुम्हें पता है वो कितना त्यागी व्रती आत्मा है? तुम्हें कहने का मतलब है कि क्या हमारे परिणाम भी ऐसे हो सकते हैं परिग्रह त्याग में? कहना बहुत सरल है ना कि रात्रि में हमारा सब त्याग है और कुछ हो गया तो वो नियम सब एक तरफ धरा रह जाएगा, कोई त्याग नहीं आएगा। त्याग इतनी अपने अंदर दृढ़ शक्ति पैदा होना त्याग के प्रति, उसी की तैयारी यहाँ पर परिग्रह त्याग प्रतिमा में कराई थी। उसके पहले तुम्हें कितना अभ्यास करा दिया परिग्रह परिमाण का, भोग भोग परिमाण का, आरंभ का, त्याग का, सब कितना अभ्यास करा के तुमको यहाँ तक लाया गया है। हंसी खेल थोड़ी है घर में रह करके सब सामान होते, सब कुछ परिग्रह होते हुए भी मैं कहूँ मेरा नहीं है, मेरा से कोई लेन नहीं है, टूट रहा फूट रहा, नुकसान हो रहा, लाभ हो रहा अलाभ हो रहा, मुझे कोई असर नहीं पड़ रहा है, ये सब कितनी बड़ी साधना है। मोह को विलीन करने की कितनी बड़ी साधना है। यद्यपि मोह पूरा विलीन नहीं होता, मोह तो पूरा दसवें स्थान के अंत में तक जाता है, लेकिन फिर भी जो कसायों की राग द्वेष की पकड़ थी उस पकड़ को ढीला कर दिया ना, वो ढीला करना ही मोह को छोड़ना है। उसके अपने को हटा लेना, वही ढीला करना, वही मोह को छोड़ना है। तो परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप ने पढ़ लिया था। आज अपन को दसवीं प्रतिमा, कौन सी दसवीं प्रतिमा? अनुमति त्याग। कौन सी प्रतिमा है? अनुमति त्याग। बहुत सावधानी बरतनी है इसमें, जो भी बोलना सोच समझ करके बोलना है, जो भी कहना तोल मोल के बोलना है, कहीं मेरा सब त्याग होते हुए भी कहीं अकल्याण ना हो जाए। त्याग तो सब है लेकिन अनुमति सबकी दिए जा रहे हो तो उससे मायाचारी का दोष लगेगा, त्रिरंज गति का बंध बनेगा। त्याग दुनिया के सामने तुम त्यागी हो और अनुमति तुम सब दे रहे हो तो उसके प्रभाव से तुम त्रियंच आदि पर्याय में पैदा होगे। देखिए तो आइए पहले अनुमति त्याग प्रतिमा का जो श्लोक है 146 नंबर का अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे, और जो आप लोग आदिनाथ चैनल के माध्यम देख रहे हैं तो आपको सामने जो है श्लोक लिखा हुआ आएगा, आप उसका अच्छे से उच्चारण करना। अनुमति रारंभे वा परिग्रहे एहिकेशु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि रनु मतिविरतः सा मन्तव्यः। अनुमतिरारम्भे वा परिग्रहे एहि केषु कर्मसु वा नास्ति खलु यस्य समधि
रनुमति वेरतः समन्तव्यः। अर्थ देखिए, निश्चय से आरंभे, आरंभ के कार्यों में तथा अथवा परिग्रहे, परिग्रह में अथवा एहिकेषु, इस लोक संबंधी कर्मसु कार्यों में, यस्य जिसके अनुमति अनुमोदना ना नहीं है, सह वह समधि समान बुद्धि का धारक अनुमति विरता अनुमति त्याग प्रतिमाधारी मंतव्या माना जाना चाहिए। आया कुछ समझ में आपको क्या कह रहे हैं? खलु, खलु मतलब होता है निश्चय से। खलु कहो, ननु कहो, हो कहो, ये सब क्या हैं? निश्चयवाचक शब्द हैं। निश्चय से, वास्तव में, नियम से, आरंभे, आरंभ के कार्यों में, सेवा कृषि वाणिज्य ये आरंभ हैं। ये क्या हैं? आरंभ के कार्य हैं। कृषि करना, खेती करना, घर मकान का काम देखना, ये सब आरंभ के कार्य हैं। तो आरंभ के कार्यों में परिग्रहे, परिग्रह में, और जो भी परिग्रह क्षेत्र, वास्तु, हिरण, स्वर्ण, धन, दान, दासी, दास, कुप, भांड, 10 प्रकार का जो परिग्रह है, उस परिग्रह में अथवा एही केसु, इस लोक संबंधी कर्मसु कार्यों में, तीन बातें कही हैं, आरंभ में, परिग्रह में और इस लोक संबंधी जो भी कार्य हैं उसमें तुम्हारी किसी प्रकार की अनुमोदना नहीं चाहिए, प्रशंसा नहीं चाहिए। जैसे झाड़ू नहीं लगी यहाँ पर, तो तुम्हारी, तुमसे कोई पूछे मैं झाड़ू लगा लूँ, तो ऐसी अनुमोदना भी नहीं चाहिए। कपड़े धो लूँ, झाड़ू लगा लूँ, पोछा कर लूँ, तो मैं दुकान चला जाऊँ, मैं कमाने जाऊँ, मैं खाना बना दूँ, कितनी सारी बातें होती घर में, 24 घंटे यही तो बातें होती है ना। इन सब में तुम्हारे ये नहीं चलेगा, बोल के भी नहीं चलेगा, हाँ करो, बहुत बढ़िया, क्यों फालतू बैठे हो, करो, ठीक है ना। तो करो भी नहीं कहोगे, और कर रहा है तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करोगे, अनुमति भी नहीं दोगे, और सुनो, अनुमोदना में उसकी प्रशंसा भी नहीं करोगे, तुम लोग बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया सफाई करते हो, बहुत अच्छा पोछा लगाते हो, बहुत अच्छे कपड़े धोते हो, बहुत बढ़िया तुमने किया। जब तुम्हारी चीज का त्याग ही हो गया था तो उसमें तुम्हारी अनुमोदना भी क्या, अब तुमने पूरे घर का त्याग कर दिया, 10 घरों का त्याग कर दिया, एक छोटे से कमरे में रह रहे हो उतने ही लग करके, लेकिन 10 घरों की अनुमोदना तुम कर रहे हो ना, मेंटेनेंस रखो, सफाई रखो, ध्यान रखो, खराब हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। सोचिए, जब एक श्रावक को अनुमति का त्याग बताया है तो महामुनिराज को क्या होगा, जिसने घर छोड़ दिया है, अपने दुनियादारी छोड़ दी है, और वो कैसे अनुमोदना करे, कैसे अनुमोदना करे, अनुमोदना नहीं करे, वो गाड़ी घोड़ा की अनुमोदना ना करे, घर मकान बनाने की अनुमोदना ना करे, घर दुकान चलाने की अनुमोदना ना करे, अनुमोदना ना करे, वास्ते की कृत कार्य तो मतलब ही नहीं, करना और कराना तो मतलब ही नहीं, वो तो बहुत दूर की बात हो गई ना। अनुमोदित लिखा है, अनुमति आरंभे, अनुमति नहीं देना, महाराज जी आशीर्वाद दो, घर बना रहे हैं, आशीर्वाद दो, तो क्या करें, वाह बहुत सुंदर, बना बड़े आशीर्वाद है, नहीं भैया ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, महाराज घर में शादी है, विवाह है, आशीर्वाद दो, सब बढ़िया हो जाए तो, हाँ हाँ बहुत बढ़िया करो, बहुत अच्छे से करो, बहुत खुशी होगी मुझे, करो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहीं तो तुम त्यागी नहीं कहलाओगे। इच्छा का निरोध कहाँ किया, तप कहाँ हो रहा है, तपस्या नहीं हो रही,
ये गलत हो रहा है, तो क्या करेंगे? क्या आशीर्वाद ना दें, घर मकान मकाने का आशीर्वाद ना दें, सांसारिक कार्यों का आशीर्वाद ना दें? तो मुनिराज जी आशीर्वाद देते हैं, धर्म वृद्धि रस्तो, तुम्हारी धर्म में वृद्धि हो, मेरा आशीर्वाद हो, कल्याण मस्तो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद। तुम कहोगे घर मकाना तो कल्याण हो, शादी हो जाए कल्याण हो, क्या देंगे तुम्हारे लिए आशीर्वाद? कल्याण हो आशीर्वाद देंगे, अथवा धर्म वृद्धि रस्तु, तुम्हारे धर्म में वृद्धि हो, ऐसा मेरा तथास्तु आशीर्वाद है। तो ये होना चाहिए। आप ये सोचिए, एक घर में रहने वाला जो श्रावक है, घर में सन्यासी जैसा जीवन जी रहा है, वो अपने बच्चों को, परिवार को, नौकर चाकरों को अनुमति नहीं दे रहा है जो कि उसके नहीं है, लेकिन घर वालों के हैं, दास दास उसके नहीं है ना, उसने त्याग कर दिया है, लेकिन घर के तो है ना, जब घर के मेरे बच्चों के दास दासी हैं तो मुझे तो कुछ आदेश देना चाहिए ना, क्या कर रहा है फालतू बैठा है यहाँ पर, काम नहीं कर रहा है, कुछ काम धंधा तो जी नहीं है, सफाई कर, ये कर, वो कर, जाली निकाल, ये कर, ये सब करो। तो इसकी आरंभ कार्य करने की भी और परिग्रह जोड़ने की भी। पापा हम मोबाइल ले आए, मेरा तो त्याग है, मैं तो नहीं बोलूंगा तुम मोबाइल ले आओ, मेरा तो परिग्रह अनुमति त्याग है, परिग्रह भी त्याग है और अनुमति भी त्याग है, मैं नहीं बोलूंगा तुम मोबाइल लेके आओ, लैपटॉप लेके आओ, घड़ी लेके आओ, वो लेके आओ, कपड़े लेके आओ, मेरा तो अपना प्रमाण है, मैं अपने प्रमाण में जी रहा हूँ और परिग्रह का सारा त्याग कर रखा है, तो मैं अनुमति भी नहीं दूंगा। आशीर्वाद विवाह का भी नहीं दूंगा। मतलब एक सच्चा गृहस्थ जो है घर में रह करके यदि ये दसवीं प्रतिमा का पालन करे, आज भोजन में क्या खाओगे बना दें हम, कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो भोजन बनाने का भी बोल नहीं बोल रहा है, आज क्या खाओगे, क्या पसंद है, आज क्या पहनोगे, क्या ओढ़ोगे, वो कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अपना काम अपने हाथ से करना है। अनुमति त्याग वाले व्यक्ति को अपना काम अपने हाथ से करना है, ध्यान रखना। बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आपकी दसवीं प्रतिमा का पालन आपके घर वाले घर में रह के करवा दें। अब बैठे हैं, पापा जी शुद्ध भोजन बन गया, भोजन कर लो, ठीक है चले भोजन कर लिया, पापा जी ये वस्त्र हैं आप पहन लो, ठीक पहन लिया, इतने कर सकते हैं, आपका कमरा साफ कर दिया, आपने कुछ नहीं बोला कि ठीक है जैसा करना कर लो। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।